हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं औक्षीकरण तथा अपचयन। तो देखते हैं औक्षीकरण तथा अपचयन, अगर इनकी बात की जाए तो इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर औक्षीकरण या अपचयन की बात करें तो ये दो प्रकार से हमारे सिलेबस में है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर। अगर हम दूसरे बेसिस की बात करें तो जैसे ऑक्सीकरण में है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना घटना, और सेम इसी प्रकार उसमें है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना और घटना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। ये पहला पॉइंट मान लेंगे। और दूसरा पॉइंट हम किस बेसिस पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा देखेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ये जुड़ किस प्रकार से रहा है या फिर घट प्रकार किस प्रकार से रहा है। तो अगर हम बात करें, किसी भी बात कर लेते हैं, तो किसी पदार्थ की बात करते हैं सबसे पहले, किसी पदार्थ में या अणु में या फिर परमाणु में या यौगिक में। समझिएगा, किसी पदार्थ के अणु परमाणु या यौगिक में अगर ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन जो है मतलब ऑक्सीजन परमाणु, अगर ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, जुड़ रहा है किसी पदार्थ के अणु परमाणु यौगिक में, ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है। गौर से सुनिएगा कि किसी पदार्थ में, जो कोई पदार्थ उसके अणु परमाणु या यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है या हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, हट रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। इसको ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया जाए तो ऑक्सी मतलब यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा और एडिशन का मतलब यहां पे क्या कर लीजिएगा, एड। तो ऑक्सीजन का सुनिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन और यहां पे एडिशन की जगह अपन लोग क्या लिखते हैं, एड। तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने पास सोडियम है, सोडियम की क्रिया अपन लोग किससे करवा देते हैं, ऑक्सीजन से करवा देते हैं। तो जब हम लोग सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण होता है, सोडियम ऑक्साइड, किसका निर्माण होता है, सोडियम ऑक्साइड का। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएंगे और यहाँ पे 2 आ जाएंगे और अपनी बैलेंस है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सोडियम परमाणु है, सोडियम का जो अणु है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। देखिए यहां पे अकेला सोडियम था और यहां पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां पे जुड़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात क्लियर है कि नहीं है, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन परमाणु का हटना। तो हम लोग ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या लिया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन में विघटित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों साथ में हैं कि नहीं है, दोनों साथ में हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो आयोडीन अलग हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का हटना, क्या हाइड्रोजन परमाणु का हटना तथा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिएगा ऑक्सीजन परमाणु यहां पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्या हो रहा है, हट रहा है। तो
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं है। दोनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना तथा हाइड्रोजन परमाणु का अलग होना या फिर हटना, क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं से देखिएगा जो हमने यहां पर लिखा था, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अगर ये आपका क्लियर है तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है क्या। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा अष्टक नियम, आपको वीडियो मिल जाएगी। जब वो वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले समझिए, जैसे कोई तत्व है, सोडियम की हम बात करते हैं, तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण क्यों करता है या फिर त्यागता क्यों है, समझिएगा। कोई भी तत्व है या कोई भी व्यक्ति की बात कर लीजिए, वो काम क्यों करेगा जब उसकी आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई करना है कि जो सोडियम है अपना तत्व है तो ये क्यों ग्रहण कर रहा है। तो मैं अगर एक शब्द में कहूँ, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, किस चीज़ को पूरा करने के लिए, अष्टक नियम पूरा करने के लिए। वैसे तो अष्टक पूरा है लेकिन होता क्या है, अष्टक नियम। तो अब आप कहेंगे अष्टक नियम क्या होता है, तो अष्टक नियम समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जाइए और देखिएगा फिर इसको देखिए। तो सोडियम का अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, इसका 11 होता है, और कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2.8.1, मतलब एक इसमें क्या है, अधिक हो गया। तो प्रत्येक तत्व क्या चाहता है, उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक ये क्या कर देगा, यहाँ से त्याग देगा। तो ये कुछ सोडियम इस प्रकार का हो जाता है, सोडियम पे एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव, सुनिएगा क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन जो बनाना होता है, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अपन लोग ये किस में होती है, धातु में होती है। तो होगा क्या, जैसे हम को सोडियम ले लीजिए, मैं ये एग्जाम्पल बता चुका हूँ आपको सोडियम वाला कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और कुछ इस प्रकार से। अब अगर एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो रहा था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, सॉरी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और कैसा बना लेता है, कुछ इस प्रकार से मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव आ जाते हैं। और यही जो होता है, मैग्नीशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति यहाँ पे क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या बोल सकते हैं, किसी तत्व परमाणु अणु आयन या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अभी हंस की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अगर तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, ये तीन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्या बना लेगा, Al पे तीन पॉजिटिव बना लेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बताइए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे अपचयन के बारे में, देखिए। तो देखिएगा, अब अपचयन हम लोगों को पढ़ना है। जो अपचयन हम लोग किस बेसिस पे पढ़ेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है, जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो रहता है किस प्रकार से ये होता है, इसी के बेसिस पे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर। तो मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। अब इसमें जस्ट अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ, सुनिएगा, किसी पदार्थ के परमाणु अणु यौगिक द्वारा क्या होना है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना, सुनिएगा, ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना और हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। देखिएगा बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके, कि ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना, ऑक्सीजन परमाणु अलग होगा इस बार, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाएंगे अपन लोगों का, अपचयन कहलाएगा। किसी तत्व के परमाणु अणु आयन यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का अलग होना तथा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना हमने किस बेसिस पे पढ़ा था, ऑक्सीकरण के बेसिस पे। अपचयन में क्या है, जस्ट अपोजिट, किसी तत्व के परमाणु अणु आयन यौगिक में ऑक्सीजन का अलग होना, क्या ऑक्सीजन का अलग होना तथा हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। देखिएगा ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना तथा हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अपचयन कहलाता है,
अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा और बहुत ही अच्छे से हमें ये क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे CuO प्लस H2 इज गिवन बाय Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से सीधा कॉपर बच रहा है और हमें एक जल का अणु प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा तो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखिए एक बेसिस पे क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना, दूसरा क्या था, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं तथा सल्फर को ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन और सल्फर को लेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और सल्फर है ये आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है और ऑक्सीजन परमाणु अलग हो रहा है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस है या जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी अपचयन की कहलाती। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। जब क्लियर हो चुका है आपका तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा को कि जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है वो कैसी है, किस बेसिस पे है। लेकिन अगर मैं सही सही बताऊं तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमने पहले पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट। देखिए कैसे, कि हमने क्या बोला था कि अष्टक नियम हम आपको आना चाहिए। अगर आपको अष्टक नियम आ चुका है तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, किसकी, अपचयन की। तो देखते हैं उसमें क्या हो रहा था, कोई भी जो धातु रह रही थी वो अपना अष्टक नियम पूर्ण करने हेतु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही थी, त्याग कर रही थी। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट, उसमें त्यागा जा रहा था इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। जैसे कोई तत्व है, कोई परमाणु है, कोई यौगिक है आपके पास, कोई अणु है, क्या है, कोई अणु है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा था, त्याग रहा था, सुनिएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि एक ग्रहण कर रहा है, दो ग्रहण, डज नॉट मैटर। सिर्फ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण देखना है, एक करे चाहे दो करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरीन की, किसकी हम बात करते हैं, क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण करेगी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, यहाँ पे क्लोरीन के कितने, दो परमाणु हैं, तो हम क्या कहेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण कर लिया और किसका निर्माण कर लेती है, क्लोरीन गैस का। बताइए क्लोरीन पे कितने नेगेटिव आ जाते हैं, एक नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो जो चाहें कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, या फिर आप ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन का O2 होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। ये अपना अष्टक नियम पूर्ण करने के हेतु कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है कि नहीं करती है, बताइए कि मैं कुछ गलत कह गया। बिल्कुल गलत कहा है हमने कि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक वो 6 नहीं होता, 6 होता है कार्बन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो गौर से नोटिस करिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, जब ऑक्सीजन का 8 है तो 8 के लिए ये क्या करेगा, 2.6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और ये ग्रहण कितने करेगा, 2। जब एक ऑक्सीजन 2 ग्रहण करेगा तो 2 ऑक्सीजन कितने ग्रहण करेंगे, 4 ग्रहण करेंगे। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जब ये 4 ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव आ जाते हैं, 2 नेगेटिव आ जाते हैं, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग 2 कर लेंगे। बताइए आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए रिवीजन के तौर पे। किसी पदार्थ के परमाणु, अणु, आयन, यौगिक द्वारा ऑक्सीजन परमाणु का अलग होना, देखिए ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है, या हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये किस बेसिस पे हमने देखा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी तत्व के परमाणु, अणु, आयन, यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करके, ग्रहण करके, पिछली बार आपने त्यागा था, इस बार क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के बेसिस पे होता क्या है, इसका अपचयन हो जाता है। जब कोई तत्व परमाणु, अणु, आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका क्या होने लगता है, अपचयन होने लगता है। देखिए क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इस पर 2 नेगेटिव आ गए, तो हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं और अपचयन हो रहा है। बताइए क्लियर है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके बेसिस पर मैं कुछ एग्जाम्पल और करा सकता हूँ जिसमें बता सकता हूँ कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अगर आपको ये दोनों क्लियर हो चुके हैं तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया पे, जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरे पदार्थ का क्या होने वाला है,
अपचयन होने वाला है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, और इसको जब आप समझेंगे तो आपको आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वन बाय वन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियो।